और ये बहुत ज़्यादा अपसेट है कुछ बातों के लिए, कि इनका कहना है कि कुछ लोग हमें जीने नहीं देंगे, इसलिए आप यूट्यूब छोड़ दीजिए। ये बात हमारे कम से कम 5-6 दिन से ये बात चल रही है, मैं वीडियो में आप लोग को बताई नहीं। फिर ये बात मैं भाई को भी बोली कि ऐसा ऐसा तुम्हारे जीजाजी बोल रहा है कि क्यों ना हम लोग यूट्यूब छोड़ दें, क्योंकि यूट्यूब में इतने ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। मैं देखिए 2 वीडियो बनाई हूँ इस वजह से। कैसे हैं आप सभी, होप करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सावित्री कुमारी ऑफिशियल दीदी जो है वो अपना यूट्यूब छोड़ रही हैं। क्यों छोड़ रही हैं ये सब हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल जाएगी और आप लोग आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ सावित्री दीदी के बारे में। तो सावित्री दीदी जो है वो यूट्यूब छोड़ रही हैं। क्यों छोड़ रही हैं? तो फ्रेंड्स, तो सावित्री दीदी जो है उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि उनके चैनल पर आकर ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि उनसे मतलब उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा और उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग मतलब उनके जो ननद है उनके बारे में कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि वो अपने ननद की वजह से शादी की हैं, उन्हें वीडियो में क्यों नहीं लाती हैं, तो सावित्री दीदी घमंडी हैं या फिर ऐसे। तो ऐसे बहुत से कमेंट है जिससे कि सावित्री दीदी पढ़कर बहुत ज़्यादा उदास है और वो यूट्यूब छोड़ने का सोच रही। उनके हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि तुम यूट्यूब छोड़ दो नहीं तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सावित्री दीदी के बारे में ऐसा बोलना सही है। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और जैसे भी है उन्होंने अपने जो उनका दिनचर्या होता है वो अपना दिखा रही हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सावित्री दीदी को ऐसे बोलना चाहिए। तो आप लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ऐसे कमेंट मत करिए। और अगर आप लोग उनके पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं कि उनका लाइफ कैसा रहा, तो आप लोग डांसर सनातन यूट्यूब पे सर्च करके जाइए। उनके भाई का चैनल, आप लोग वहाँ पे जाके उनकी पिछली ज़िंदगी जो है देख सकते हैं कि वो कैसे थी। वो जो भी दिखाती है सच्चाई दिखाती है अपने जीवन का, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिखाती है। तो आप लोग बेकार कमेंट मत कीजिए। और उनकी जो ननद है, तो उनके ननद का जो है हालत ठीक नहीं रहता। उनके हस्बैंड बता रहे हैं कि वो 10 साल से बीमार रहती है, दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं रहती। आप बोलते हो कि इसके वजह से किया, ये झूठ बोल रही है, वो झूठ रही है, वो उस पोजीशन में वो नहीं है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग ओढ़ ओढ़ के बैठे हुए हैं, उनका माइंड काम नहीं करता। क्या वो हमारी जैसे नॉर्मल रह पाएगी? मुझे खुद डर लगता उनके पास जाने में। जब मूड अच्छी रहती तो इतनी अच्छी बात करती है, इतनी अच्छी बात करती है, लेकिन जब उनका मूड खराब रहा तो कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। नहीं तो कैसे, पागल लोगों का तो ऐसा ही रहता है। जब उसके दिमाग में फर्क है तो दिमागी परेशानी से पागल रहती। वो कभी नॉर्मल रहती हैं और कभी बड़बड़ाती रहती हैं, कभी गाली क्लॉज भी देती हैं। तो ऐसे में वो अपने वीडियोस में हमेशा तो उन्हें नहीं ला सकती। कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी ननद को वीडियोस में क्यों नहीं लाती हो, उनसे मतलब लगाव नहीं है या फिर कुछ ऐसा। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बताया है उनके हस्बैंड ने सावित्री दीदी के कि उनकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है। तो आप लोग जाहिर सी बात है, आप लोग सोच सकते हैं कि जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उनको वीडियो में लाएंगे फिर आप लोग ऐसे ही उल्टा फुल्टा कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सावित्री दीदी बोल रही हैं कि जब उनका अच्छे से बात करती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि उन्हें भी अपनी वीडियोज़ में लाएँ और लाई भी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को क्लिप में दिखाते हैं, आप लोग क्लिप में देखिए। क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों नहीं बंद करते, किसी को क्यों नहीं जीने देते, क्या हमारी गलती है? प्लीज ऐसा बंद कीजिए, ऐसे बोलना बहुत खराब लगता है। गणेश जी, आप कुछ बोलिए, आपको कैसा लगता है जब ऐसे कुछ आपकी बहन के बारे में कुछ उल्टा फुल्टा बोल देते हैं मेरे बारे में? हाँ, तो मुझे तो बहुत खराब लगता है और मैं लोगों से साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। ऐसा करके कुछ तुम्हारा फायदा होने वाला है नहीं, जो कुछ है तुम्हारा खुद का नुकसान है और आगे चल के इस चीजों का तुमको भुगतान करना पड़ेगा। और भगवान के घर में देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है, कम से कम भगवान से तो डरिए। क्या बोलूं दोस्तों, बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी ननद जो मेरी फैमिली है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बोलना चाहती हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं यूट्यूब फैमिली को, तो प्लीज जो मेरे सपोर्टर है उन्हें कहना चाहती हूँ मैं उनको वीडियो में लाऊंगी जब भी वो ठीक रहे। उनका भी और जो ठीक नहीं है, अच्छे लोग हैं वो इस वीडियो को अच्छे से अच्छा देखते रहिए। हाँ। और आगे बढ़ाते रहिए जी।
तो दोस्तों क्लिप में देखा कि सावित्री दीदी जो है काफी ज्यादा उदास है और उनके हस्बैंड जो है बोल रहे हैं कि तुम यूट्यूब छोड़ दो नहीं तो मुझे लोग जीने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा मत कीजिए, सावित्री दीदी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह के अपडेट अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।